सतना जिले में मैहर के उप थाना बदेरा के अंतर्गत एक महिला एसपी ऑफिस से ज्ञापन देने पहुंची। महिला का कहना है कि यहां काम करने वाला नौकर पवन सोनी व पंकज सोनी पिता कैलाश सोनी ने महिला का न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे और पैसे की भी मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत करने महिला सतना एसपी ऑफिस पहुंची है। महिला का कहना है कि मेरे सास की तबीयत खराब थी, जिसको लेकर हम लोग बाहर गए थे। इसी बीच पवन सोनी हमारे बेडरूम में कैमरा फिट कर दिया था और हमारे पति पत्नी का वीडियो बना लिया और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। कहता है 10 लाख रुपए दो, नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। युवती ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, 10 लाख रुपए कहाँ से पाएं। उसने कहा जो करना है कर लो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जिससे पंकज सोनी ने कई जगह वीडियो वायरल भी किया। युवती ने बताया कि उसकी बदनामी हुई। वहीं महिला का कहना है कि पंकज सोनी और गोलू पटेल पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिला ने राजश्री रोहित के ऊपर भी पैसे का लेन देन करने के दबाव बनाने के आरोप लगाया है। सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं आवेदन लेके, किस चीज़ का आवेदन लेके आई, क्या पूरा मामला? अश्लील वीडियो वायरल किया गया है सर। कौन किया है? पवन सोनी और गोलू पटेल। पड़ोसी हैं आपको? जी नहीं, बगल में रहते हैं, घर के थोड़े से मतलब 10-15 कदम की दूरी पे। तो पड़ोसी के लाए? जी। तो आप कुछ करती हैं? जी, ऑनलाइन का शॉप चलाती हूँ। तो क्या वो दोनों लड़के काम वाम करते हैं आपके? जी, पवन सोनी मेरे यहाँ काम करता था और गोलू पटेल उसका मित्र है। अच्छा, कब से काम कर रहा वो? सर 2018 से काम किया है, 19 तक। 19 एक साल काम किया? जी। कोई आपसे दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर। कैसे वीडियो वायरल कर दिया? बीच में जैसे कि हमारे शॉप में काम करता था, भरोसा जीत चुका था, भरोसे के दौर पे हम लोग उसको दुकान शॉप के 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे और फिर जब वहाँ से लौटे तो मम्मी बीच में ठीक थी, फिर एकदम से तबीयत मम्मी की ख़राब हो गई थी, फिर मम्मी को 2 दिन बाद लेके चले, उसी बीच की वीडियो वो कैमरा सेट करके बना लिया था। अच्छा, ब्लैकमेल करने को? हाँ, और ब्लैकमेल करने लगा। क्या बोल रहा? कि मतलब 10 लाख रुपए दो तो हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, हमने वीडियो हमने बोला कि भाई जो करना है कर लो, डिलीट नहीं करना है कर दो, नहीं तो वायरल करना है तो जो वो बोला हम वायरल कर देंगे, हम बोले कर दो, पैसे तो हमारे पास थे नहीं भाई, छोटे से घर में रहते हैं, बहुत पैसा तो है नहीं हमारे पास। आपने पूछा नहीं किस बात का पैसा मांग रहे भाई? जो आपने जो आप जॉब किए उसका तो पूरा पैसा हम देते रहे हर महीना। हाँ, वो तो देते रहे हैं। कितने पेमेंट रही होगी? 5,000 रुपये महीने पर मंथ। हमेशा आप दे देती रही? जी, टाइम पर दे देते थे सर, 5 तारीख को। तो आपने बोला नहीं जब चांस है कुछ मिल जाता तो फिर क्या दिक्कत आ रही? उसका कहना था कि मतलब आप लोग यहाँ मत रहो, शॉप मत चलाओ, उसको पता नहीं किस बात की खुन्नस थी ये नहीं मालूम। तो आपने बोला नहीं हमारी खुद की ज़मीन है, हमारे खुद का व्यापार। कहता था मैं करूँगा दुकान यहाँ, मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, मैं करूँगा, सिर्फ मेरी दुकान चलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि कोई इसमें भिड़काया होगा उसको? नहीं सर, वो जो भी किया है अपने अपनी मम्मी अपने भाई के कहने पर किया है, जो भी किया है।